तुर्की के पहले पांचवें पीढ़ी के स्वदेशी विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, सबसे ज्यादा शोर तुर्की से ज्यादा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में कान को लेकर जिस तरह की बातें की गई, उसे देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने इस विमान में सबसे अहम योगदान दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कान में किस तरह का योगदान दिया है। तुर्की ने साल 2016 में एक राष्ट्रीय लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपने DFX परियोजना की शुरुआत की थी। इसके लिए तुर्की एयरोस्पेस फर्म टुसास ने ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 2017 में इसे विकसित करने के लिए $125 मिलियन इस पर खर्च किए गए थे और फिर इस पर काम शुरू हुआ। लेकिन जहां तक बात आती है अजरबैजान या फिर पाकिस्तान की, तो इन दोनों का योगदान न मात्र बराबर है, यानी न पैसे से योगदान है न ही टेक्नोलॉजी से योगदान है, सिर्फ नाम का योगदान है। खासतौर पर तुर्की के सामने अजरबैजान और पाकिस्तान कहीं भी टिकते नहीं है। इसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो तुर्की से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तुर्की से ज्यादा पैसा अजरबैजान के पास भी नहीं है। जहां तक इस योगदान की बात आती है तो नाम के लिए ये योगदान बहुत अच्छा है और तुर्की इस बात को समझता है कि जब इस अपने पहले प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन शुरू करेगा और ज्यादा तेजी से इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करना होगा, तब उन्हें अजरबैजान या पाकिस्तान जैसे देशों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इस मॉडल को स्केल कर सके और इसकी कीमतों में कटौती कर सके। पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत हर्षोल्लास इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुर्की इसे आसानी से पाकिस्तान को दे देगा। हो सकता है कि पाकिस्तान दे भी दे, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर इस कान में पाकिस्तान का योगदान क्या है। तो उसका जवाब ये है कि शून्य है, बिल्कुल शून्य, ना पैसे से ना तकनीक से। पुरानी सरकारों ने ये तक नहीं बताया कि आखिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की है या नहीं की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी कि पाकिस्तान इस योजना का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कभी भी खुलेआम इस योजना का हिस्सा होने को लेकर अपनी बात को नहीं स्वीकारा। कान के बारे में बात करते हैं। कान एक ट्विन इंजन वाला विमान है जिसमें जनरल F110 इंजन लगे हैं और एक इंजन 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है। ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है और ये 27,125 किलोग्राम तक वजन लेकर आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। और उस विमान को उड़ाने के लिए दो पायलट्स की जरूरत है। ये 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है इस विमान के हथियारों का जखीरा। इसके अलावा इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली 8 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। फिलहाल अगर बमों की सिर्फ बात करें तो इसमें 13 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। इसका कॉकपिट ह्यूमन मशीन इंटरफेस से लैस है। इसके अलावा इसमें ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस नेविगेशन फीचर्स, IEOS, IRST, EOTS जैसे खतरनाक रडार लगे हुए हैं। अब इस तमाम खूबियों को देखने समझने के बाद पाकिस्तान की जनता उत्साहित हो सकती है कि ऐसा विमान उनको मिलने वाला है जिससे वो भारत को काउंटर करेंगे। तो सुन लीजिए, पाकिस्तान के पास फिलहाल खाने के पैसे नहीं है, विमान खरीदना सिर्फ सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।